रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। अभी रोमांटिक इमेजिनेशन क्या होती है? नेशनल फीलिंग के लिए अभी तक हमने देखे कि कैसे एक दूसरे देशों पर अटैक किया जाते थे, राजा एक दूसरे की टेरिटरीज जीतते थे, और एक ही भाषा बोलने वाले, फॉर एग्जाम्पल जर्मन बोलने वाले अलग अलग राजाओं की प्रजा थे। तो जर्मन बोलने वाले चाहते थे कि हम हमारा एक देश बने, हमारा जर्मन बोलने वाला ही हमारा राजा बने, और हमारा जर्मन बोलने वाला राजा दूसरे राज्यों पे हमला करे और वो एरियाज जीत ले जहाँ पे हमारी भाषा बोलने वाले लोग रहते। और ऐसे सिर्फ जर्मन नहीं करते थे, ऐसा इटालियंस भी चाहते थे, पोलैंड के लोग भी चाहते थे, पोर्तुगाल के लोग भी चाहते थे, इंग्लैंड के लोग भी चाहते थे, आयरिश भाषा बोलने वाले भी, सारे यूरोपियन मेजर लैंग्वेज बोलने वाले ऐसे ही चाहते थे। तो अटैक करना दूसरों पे, अपने एरिया जीतना, अपनी भाषा बोलने वाली रीजन्स जीतना, ये तो इम्पोर्टेंट पार्ट था नेशनलिज्म का, लेकिन ये इकलौता नहीं था, एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था इसका जो हम इस चैप्टर में देखेंगे। कौन सा है वो? ये। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? सिर्फ नए एरियाज पे अटैक करना, दूसरे राजाओं के देशों पे हमला करना, राजाओं पे हमला करना, और उनके ऊपर हमला करके अपनी भाषा बोलने वाला एरिया उनसे छीन के अपने देश में अटैच कर लेना, और दूसरे देश का राजा भी आपके देश पे हमला करेगा और उनकी भाषा बोलने वाले एरिया को छीनने की कोशिश करेगा। ये तो बेसिक सी चीज थी नेशनलिज्म को प्रमोट करने की। लेकिन आर्ट और कल्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट था। कि आर्ट और कल्चर क्या होता है? देखो, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, वी हैव आवर फिजिकल नीड्स, बट एट द सेम टाइम वी हैव आवर इमोशनल नीड्स एज वेल। इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, कई बार आप लोगों ने देखा होगा हमारे घर के जो सीनियर सिटीजन होते हैं, आप कोई भी एग्जाम्पल ले रहे थे, कहीं कभी हो सकता है ये, इवन अगर मैं एक नया मकान खरीद लेता हूँ या नई जगह घर बनाता हूँ, नया फ्लैट खरीदता हूँ, और वहाँ पे मैं अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट करना चाहता हूँ, मेरी पूरी फैमिली खुश है कि उनको नए घर में जाएंगे, बड़ा घर है, अच्छा घर है, ज़्यादा लग्जरीज है, ज़्यादा कम्फर्ट्स है वहाँ पे, एवरीबॉडी इज एक्साइटेड एक्सेप्ट माई मदर। क्यों? माई मदर सेज दैट आई डोंट वॉन्ट टू लीव दिस हाउस, ये हाउस मेरे ससुर जी ने बनाए थे, यहाँ पे मैंने अपने पति के साथ अपना सारा जीवन बिता दिया, यहाँ पे मेरे पति ने अपने जीवन की आखिरी सांस ली और मैं भी यहीं पे मरना चाहती हूँ, मुझे नए घर में नहीं जाना। नए घर में गर्मियों के लिए एयर कंडीशनर है, विंटर के लिए हीटर है, ऊपर के फ्लोर पे है, नीचे ऊपर होने के लिए फ्लैट्स है, यहाँ पे ऊपर फ्लोर पे जाने के लिए सिर्फ सीढ़ियाँ है, बहुत कम्फर्टेबल घर है। बट माई मदर डजंट वॉन्ट टू गो, शी इज़ हैप्पी विद दिस स्मॉल हाउस विद डिफिकल्ट लाइफ, जस्ट बिकॉज हर इमोशंस आर कनेक्टेड टू इट। दिस इज कल्चर, एक कल्चर का पार्ट है। अब कल्चर का पार्ट कैसे? एक एग्जाम्पल और देता हूँ मैं आपको। सपोज आपके मम्मी का या पापा का बर्थडे है और आप उनको कार्ड देना चाहते हो, विश करना चाहते हो, तो एक तरीका ये, मार्केट में जाओ, 20-50-100 दोस्तों पे का एक कार्ड परचेस कर लो और दे दो। सपोज आपके एक भाई या बहन ने ऐसा किया, मार्केट से रेडीमेड कार्ड लाए और दे दिया, लेकिन आपने सोचा नहीं, मेरे पेरेंट्स मेरे लिए बहुत स्पेशल है, मैं मार्केट से चीज़ लेके क्यों दूँ, मैं मेरे पेरेंट के लिए कार्ड अपने हाथों से बनाऊंगा या बनाऊंगी, जो मुझे उनके लिए डिज़ाइन बनाने, जो अपने अपने फादर को मैं एक स्ट्रॉन्ग स्टडी पर्सन के तौर पे देखता हूँ या देखती हूँ, अपने मम्मी उतनी लविंग है, केयरिंग है, डेलिकेट है, उनके लिए अलग डिज़ाइन बनाऊंगा, अपने हाथ से कार्ड बना के उनके दूंगा या दूंगी। तो यहाँ पे आपका हाथ से बना हुआ जो कार्ड आपके पेरेंट्स को जाएगा उनके बर्थडे पे या मैरिज एनिवर्सरी पे या किसी इवेंट पे, वो उनके दिल के ज़्यादा करीब रहेगा, बिकॉज वो समझेंगे कि आपने उसमें एफर्ट डाला है। तो यहाँ पे आती है आर्ट्स, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, बहुत सारी चीज़ें हम दूसरे को कन्वे करना चाहते हैं लेकिन हमें सही तरीके से बात करने का तरीका नहीं आता, हम बहुत लंबे सेंटेंस बोलते हैं, एक एक दो दो घंटा बोलते रहते हैं, लेकिन फिर भी सही तरीके से चीज़ें कन्वे नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमको हेल्प मिलती है लिटरेचर की। एग्जाम्पल के तौर पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो कि अमेरिकन पोएट है, और वो अमेरिकन पोएट की एक पूरी पोएम है जिसमें से चार लाइनें बहुत मेमोरेबल है जो पूरे वर्ल्ड में बोली जाती है। वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये पोएम है, द वुड्स मतलब जंगल, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, मतलब जंगल बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है, मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ और मुझे, मेरी इच्छा है कि मैं इस जंगल में रुक जाऊँ, अच्छा लगेगा मुझे इस जंगल में रुक के। तो वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, लेकिन मैं रुकना तो चाहता हूँ, मैं रुकूंगा नहीं, मुझे अपने बहुत सारे काम निपटाने हैं, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और सोने के पहले कई मील मुझे जाना है, सोना मतलब मरने के पहले मुझे जीवन में बहुत सारे काम करने हैं। मैं दोबारा लाइन रिपीट करता हूँ, समझो, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप,
बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। देखो चार लाइन, छोटी से लाइन से कुछ बड़ी चीज नहीं है, लेकिन अगर आप इनके पीछे के फीलिंग समझने की कोशिश करो तो दीज आर वेरी डीप लाइन्स। यही लाइन अमेरिका के एक प्रेसिडेंट हो चुके जॉन एफ कैनेडी, जो अपने इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे, ज्यादातर कैंपेन में यही लाइन पढ़ के सुनाते थे लोगों को, इमेज कन्वे, अपना मैसेज कन्वे करते थे। इवन जब हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की डेथ हुई थी, तो ऐसा कहा जाता है जिस रात को उनकी डेथ हुई थी बीमारी से या जो भी नेचुरल डेथ रही होगी उसमें नहीं जाना है, उनके रीडिंग टेबल के ऊपर एक नोट पड़ा हुआ था और उस नोट के पास एक पेन रखा हुआ था और उस पेन में पंडित नेहरू के हैंडराइटिंग में यही लाइनें लिखी हुई थी, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव टू गो बिफोर आई स्लीप माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। तो ये लिटरेचर है जिसमें आप बहुत बड़ी बड़ी चीजें शॉर्ट में बोल देते हो। तो ये आर्ट, लिटरेचर, कल्चर का पार्ट है और ये कल्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमें एक बनाने के लिए, जैसे कि हम इंडियन है, हमारी हिंदी या फिर जो भी हिंदी भाषा बोलते हैं या फिर हमारा नेशनल फ्लैग, वो एक तरह का आर्ट है, हम अपने आप को नेशनल फ्लैग से अटैच करते हैं। जन गण मन अधिनायक जय है, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सत्य श्यामलाम मात, ये हमारा वंदे मातरम एक सॉन्ग है, हमको इंडियन को कनेक्ट करता है, इमोशनली कनेक्ट करता है हमारे देश के साथ। सो हम बोल सकते हैं एक नेशनलिज्म भी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों है। इसका हार्डवेयर है आपकी ज्योग्राफिकल लैंड, आपके देश में होने वाले रिवर्स, प्लेटूज, प्लेन्स, माउंटेन्स, डेजर्ट्स, ये सब आपके हार्डवेयर का पार्ट है। इसका सॉफ्टवेयर कौन सा है? आपका लिटरेचर, आपका आर्ट्स, आपका कल्चर, आपकी स्टोरीज, आपका पास्ट, ये आपका सॉफ्टवेयर है। जब भी कोई नेशन बनता है तो ये दोनों हार्डवेयर सॉफ्टवेयर होने जरूरी है। तो ये वाली जो ऊपर वाली जो टॉपिक है जिसको हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये तो बहुत कॉमन है, हम समझ सकते हैं। आज के हमारे क्लास में हमारा फोकस है ये, ठीक है। कल्चर ऑल्सो प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल। अब कल्चर में आता क्या है? ये बेसिक चीजें कल्चर में आती है, जनरली हम उसको रख सकते हैं आर्ट। आर्ट किसी भी तरह का हो सकता है, जैसे कि आप पेंटिंग बनाना, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो पेंटिंग बना बना के अपने पैम्फलेट्स लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, आर्ट के पेंटिंग्स, जिसको देख के लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग आती थी। सिंगिंग हो सकता है, लोग गाने गाएंगे, गानों के थ्रू नेशनलिज्म, जैसे कि मैंने भी वंदे मातरम का एग्जांपल किया, या फिर भगत सिंह के ऊपर जो मूवी है मेरा रंग दे बसंती चोला, ये भी म्यूजिक पार्ट लोगों को इंस्पायर करने के लिए। तो आर्ट आता था पोइट्री, बहुत सारे ऐसे पंडित महादेवी वर्मा, और उसके अलावा मुझे भी हिंदी पोइट्स के नाम याद नहीं आ रहे, इंग्लिश पोइट्स भी है, जैसे मेजिकल ये इंडिया के एक पोइट है, इंग्लिश सॉरी सर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हाँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एक हिंदी के बड़े बहुत महान कवियों में से एक है। हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन के पिताजी, ये भी हिंदी के बहुत महान पोइट्स में से एक आते हैं। इन लोगों ने बड़ी बड़ी पोइट्री लिखी और इन्होंने समाज के ऊपर भी कहा है, आज़ादी के लिए भी लोगों को इंस्पायर किया है, और नॉर्मल जो फिलोसॉफी ऑफ लाइफ है उस पर भी किया है, लोग इससे भी कनेक्ट होते हैं। स्टोरीज, हमारी पास्ट में बहुत सारी स्टोरीज होती है, अगर आज हम वो स्टोरी पढ़े तो हमको हमारे पास्ट पे गर्व होता है, हम प्राउड फील करते हैं। ऐसे महाराणा प्रताप के बारे में स्टोरीज पढ़ेंगे, जिस तरह उन्होंने अंग्रेजों से, जब तक वो जिंदा थे अंग्रेज उनके एरिया को कमजोर, उन पर अटैक नहीं कर पाए थे, कब्जा नहीं कर पाए थे पंजाब के ऊपर। टीपू सुल्तान, जिस तरह उन्होंने अंग्रेजों से लड़ा, वो अंग्रेजों को भगा देते थे लेकिन कुछ और पोलिटिकल इवेंट्स हुए जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए, लेकिन लड़े उनसे। शिवाजी महाराज, वो जिस तरह जब तक वो कंट्रोल, उनकी कंट्रोल में मराठा किंगडम था, बाद में उनकी डेथ हो गई, उसके बाद वो अलग मैटर है, लेकिन जब तक शिवाजी महाराज जिंदा थे किसी की हिम्मत नहीं होती थी मराठा किंगडम की तरफ देखने की, सिर्फ औरंगजेब की हिम्मत हुई थी देखने की, लेकिन हराने की ताकत नहीं थी। तो हमारे पास्ट में ऐसी ऐसी स्टोरीज है जिसको हम आज भी पढ़े ना, हम प्राउड से एकदम गर्व फील करेंगे अपने ऊपर। तो इसको भी हमारे नेशनलिज्म के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और म्यूजिक, जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, अगर मॉडर्न बात की एग्जाम स्टडी करें तो एक मूवी आई थी बॉर्डर नाम की, जिसमें एक सॉन्ग था संदेश से आते हैं हमें तड़पाते हैं, आई होप तुम सबको याद होगा, बहुत अच्छा सॉन्ग था। और वो सॉन्ग मैं आई थिंक उस समय 10th या 11th पर रहा हूँ, ये जब सॉन्ग आया था ना तब हमारे ग्रुप में जो मेरे फ्रेंड्स का सर्कल था, इवन अमंग द गर्ल्स ऑल्सो, ये फीलिंग आ गई थी कि ये हमको आगे चल के आर्मी में जाना है, इतनी आर्मी की लाइफ ग्लोरीफाई हो गई थी उससे। और आर्मी में क्यों जाना है? शौक लड़ने का, मरने का या मारने का नहीं था, शौक था
वी ऑल्सो वॉन्ट टू सर्व आवर नेशन. हाँ, उसके करते समय अगर मौत आ जाए विल बी हैप्पी टू डू दैट. पर्पज किलिंग नहीं था, सुसाइड नहीं था, बट वॉन्ट टू सर्व द नेशन. एंड इफ एनी कॉस्ट वी आर रेडी टू पे एनी कॉस्ट टू सर्व द नेशन. तो इस तरह हम इंस्पायर कर सकते हैं म्यूजिक से लोगों को. तो ये सब जिनका भी हमने यहाँ पे एग्जाम्पल दिए, ऑल आर अ पार्ट ऑफ आर्ट एंड कल्चर. अब ये आर्ट एंड कल्चर का इस्तेमाल कैसे इस्तेमाल किया गया यूरोप में नेशनलिज्म की फीलिंग को डेवलप करने के लिए, हम यहाँ पे वो देखेंगे. अब रोमांटिसिज्म, रोमांटिसिज्म नॉर्मली अगर तुम्हारे दिमाग में इस समय ये वर्ड भर के ये आ रहा होगा, रोमांस मतलब अ बॉय अ गर्ल देयर लव रिलेशनशिप, दैट इज अ वेरी वेरी नैरो वर्जन ऑफ रोमांटिसिज्म. असल में ये रोमांटिसिज्म का असली मीनिंग ही नहीं है. रोमांटिसिज्म का असली मतलब कुछ और है जो हम यहाँ पे आज देखने वाले, व्हाट इज रोमांटिसिज्म. लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं रोमांटिसिज्म क्या थी. एक मूवमेंट थी, मूवमेंट मतलब एक तरह का आंदोलन, मतलब कुछ लोग थे जिनका वे ऑफ थिंकिंग मैच करता था, जिनकी एक तरह की सोच थी, और उस सारे सोच के लोगों ने अपना एक ग्रुप बना लिया और अपनी सोच को प्रमोट करने लगे. अब वो सोच क्या थी, मैं अगले मतलब अगला क्लिक करूंगा तो नया इमेज आएगा वहां बताऊंगा. तो यहाँ पे रोमांटिसिज्म एक मूवमेंट थी, आर्टिस्टिक मूवमेंट. आर्टिस्टिक मतलब आर्टिस्ट लोग. अब वो पोएट हो सकते हैं, वो ड्रामेटिस्ट हो सकते हैं, वो नॉवेलिस्ट हो सकते हैं, वो पेंटर्स हो सकते हैं, वो सिंगर हो सकते हैं, वो डांसर्स हो सकते हैं. आर्टिस्ट, आर्टिस्ट लोग, उनका आर्ट अलग अलग था लेकिन थे सभी आर्टिस्ट. अरे सारे आर्टिस्ट ने कुछ फील किया. रोमांटिसिज्म के पहले जो टर्म था ना वो था क्लासिसिज्म. रोमांटिसिज्म के पहले था क्लासिसिज्म. अब क्लासिसिज्म में इसके जो सपोर्टर थे क्लासिसिज्म के, वो सपोर्ट करते थे रूल्स एंड रेगुलेशंस को. हर चीज़ रूल के हिसाब से हो, हर चीज़ रेगुलेशन के हिसाब से हो. अगर आपको पोएट्री लिखना है तो आप राइम स्कीम फॉलो करोगे ही करोगे. कौन सी राइम स्कीम वो भी डिसाइडेड थी, आपको फ्रीडम नहीं था, अपने मर्जी से पोएट्री लिखने का फ्रीडम नहीं था. लेकिन रोमांटिक लोग थोड़े अलग थे. अब आप यहाँ पे उसका मीनिंग देखते हैं. अ मूवमेंट ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर. आर्ट मतलब कोई भी आर्ट हो सकता है, यहाँ पे सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग. एंड लिटरेचर मतलब राइटिंग पोएट्री, राइटिंग ड्रामा, ये सब. दैट ओरिजिनेटेड इन द लेट 18th सेंचुरी. जनरली ये वाला पीरियड है. अप्रॉक्सीमेट बिगिनिंग टाइम एंड अप्रॉक्सीमेट एंडिंग टाइम. जनरली ये इस ड्यूरिंग में माना जाता है 1800 से 1890. बिकॉज ये मूवमेंट थी तो हम इसके लिए एग्जैक्ट डेट नहीं दे सकते. एंड दैट इज अगेंस्ट क्लासिसिज्म. ये क्लासिसिज्म के अगेंस्ट थी. मतलब क्या, ये जो रोमांटिक आर्टिस्ट आए थे, रोमांटिक पोएट, रोमांटिक पेंटर, रोमांटिक ड्रामेटिस्ट, इनका मानना था आर्ट, ART, आर्ट, किसी भी तरह का आर्ट हो, किसी भी तरह की कला हो, दैट इज फॉर ह्यूमंस. ह्यूमंस आर नॉट फॉर आर्ट. मतलब अगर कोई आर्टिस्ट है जिसको एक कविता लिखनी है और आर्टिस्ट का दिल कर रहा है नेचर बहुत अच्छा है, मुझे नेचर बहुत अच्छा लगता है, मैं नेचर पे पोएम लिखूंगा, हाँ तो लिख देना भाई नेचर पे पोएम. तो मैं रुकने की या किसी से डरने की जरूरत नहीं है. और क्लासिसिज्म बोलते नहीं, रूल्स रेगुलेशन फॉलो करो. रोमांटिसिज्म बोलते रूल्स रेगुलेशन का कोई मतलब नहीं है. रूल्स आर मेड फॉर ह्यूमंस. ह्यूमन बींग्स आर नॉट मेड फॉर रूल्स. अगर हमें किसी चीज से खुशी मिलती है और वो चीज करने के लिए हमें रूल तोड़ना पड़ता है, टू हेल विद द रूल्स, आई डोंट केयर ऑफ द रूल्स. ये रोमांटिस्ट. हम कोई रूल्स रेगुलेशन की परवाह नहीं करते, हम किसी समाज की परवाह नहीं करते. हमको खुशी चाहिए, हम हमारी खुशी देखना चाहते हैं, हम दूसरों की खुशी देखते हैं जिसमें सारा समाज खुश है, जिस समाज को अच्छा लगता है, हम वही आर्ट बनाएंगे. किसी को पसंद नहीं आती है तो ठीक है, तुम मत देखो उसको, तो हम पे फोर्स मत करो कि हम हमारा काम भी ना करें. तुम्हें क्लासिसिज्म अच्छा है या तुम क्लासिसिज्म से जिंदगी जियो, हमको प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारे क्लासिसिज्म से, तो तुमको भी हमारे रोमांटिसिज्म से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. फ्री माइंड, लिबरल माइंडसेट के लोग, जिनको किसी रूल्स रेगुलेशन से बांधा नहीं जा सकता था, वो जो वो करते थे जो उन्हें अच्छा लगता था, जिसमें उनको खुशी मिलती थी, ये था रोमांटिसिज्म. समझ में आया या कुछ और एक्सप्लेन करना चाहिए मुझे? समझ में आया सर. जनरली मैं बोलते हैं जो मेरे एज के लोग हैं, आपके पेरेंट्स के एज के लोग हैं, हम लोग ना थोड़े से क्लासिसिस्ट हो जाते हैं. हमको रूल्स चाहिए, हम चाहते हैं हर काम सिस्टम्स के हिसाब से, सिस्टम के हिसाब से हो, हर काम रूल के हिसाब से हो. और तुम जो टीनेज में लोग होते हैं, 15, 16, 17, 18, 20, 21, इस एज के लोग बहुत एनर्जेटिक होते हैं, बहुत जोश होता है, और तुमको लगता है हम जो चाहे वो कर सकते हैं, टू हेल्प द रूल्स एंड रेगुलेशन. लेकिन जब तुम भी 40-50 के एज में चले जाओगे, तुमको भी फिर रूल्स रेगुलेशन इंपॉर्टेंट लगेंगे. ये एक ह्यूमन एज होती है. तो ये पीरियड था जहाँ पे आर्टिस्ट रोमांटिक हो गए थे. रोमांटिक का मतलब वो लव वाला रोमांटिक नहीं, फ्रीडम, नो कंट्रोल, नो रूल्स एंड रेगुलेशन. ह्यूमन इज द सेंटर.
रूल्स एंड रेगुलेशंस आर अराउंड ह्यूमंस, जरूरत पड़ेगी तो फॉलो करेंगे, तोड़ना पड़ा तो तोड़ भी देंगे रूल्स को, ये है रोमांटिक सोच। अब रोमांटिक तो सोच हर चीज में आ गई, आर्ट से लेके लिटरेचर से लेके स्टोरीज एंड म्यूजिक, हर चीज में रोमांटिक फीलिंग आ गई। अब ये थे कुछ हमारे रोमांटिक आर्टिस्ट। रोमांटिक आर्टिस्ट में एक बड़ा नाम आता अमंग द पोइट्स विलियम वर्ड्सवर्थ। जैसे कि एक इनके बारे में एक बार एग्जांपल बता देता हूँ। हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो धर्म को मानते हैं। अब धर्म को मानने वाले को हम क्या बोलते हैं? एथिस्ट, आस्तिक। और जो धर्म को नहीं मानते उन्हें कहा जाता है नास्तिक। थीस्ट। और नहीं मानने वालों को एथिस्ट, दैट इज नास्तिक, जो धर्म में नहीं मानते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ एक अलग ही बंदे थे, वो आस्तिक भी नहीं थे और वो नास्तिक भी नहीं थे, तो क्या थे? वो थे पैंथेइस्टिक। ये वो व्यक्ति है विलियम वर्ड्सवर्थ, इनको लगता था, यू मे अग्री विथ हिम, यू मे डिसएग्री विथ हिम, इनको लगता था नेचर, ट्रीज, प्लांट्स, क्रीपर्स, जो भी नेचर है, नेचर हैज लाइफ लाइक यू एंड आई, नेचर में भी लाइफ है। और वो नेचर से बहुत प्यार करते थे, नेचर के बीच ही अक्सर रहते थे, जंगलों में रहते थे, नदियों के पास रहते थे, पहाड़ों के पास रहते थे, एंजॉयड बीइंग इन नेचर। तो उनके लिए ये टर्म आ गई थी पैंथेइस्टिक, वो अथेइस्ट भी नहीं, थीस्ट भी नहीं, बट पैंथेइस्टिक, नेचर को लाइक ह्यूमन बीइंग मानते थे वो। तो अलग ही सोच थी रोमांटिक वर्ड, मुझे फील होता है मैं फील करूंगा, आप डिसएग्री करना चाहते कर लो आप डिसएग्री, पर मैं को क्रिटिसाइज नहीं करना, मैं सही हूँ अपनी जगह। उससे जरा दूसरे फेमस पेंटर टर्नर, ये अपनी पेंटिंग में सारे रूल्स रेगुलेशन तोड़ देते थे, समाज ने रूल बनाए थे, आप इस तरह की पेंटिंग नहीं कर सकते, आप उस तरह की पेंटिंग नहीं कर सकते, अगर आप भगवान की पेंटिंग बना रहे हो तो भगवान को सर जस्ट सेक ऑफ एग्जाम्पल बता रहा हूँ, भगवान को आम इंसान की तरह चलता हुआ नहीं बताओगे, आप हमेशा रिस्पेक्टेबल तरीके से पोर्ट्रे करेंगे। इनका मानना था नहीं, मुझे भगवान को आम इंसान की तरह सड़क पर चलता हुआ बताना है, तो करूंगा ऐसी पेंटिंग, आपको पसंद नहीं आती आप मत खरीदो मेरी पेंटिंग, मैं एंजॉय करूंगा उसको। ये उसी तरह म्यूजिक, म्यूजिक की भी रूल्स एंड रेगुलेशन। आज जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर बहुत सारे आज के मॉडर्न हमारे गाने ऐसे जिनके लिरिक्स में कोई दम ही नहीं है, जैसे कि मुझे नहीं पता किसका एक आते हैं, नेहा कक्कड़ का भाई नाम क्या है उसका, टोनी कक्कड़ का एक सॉन्ग है जिसमें एक ही चीज को बार बार रिपीट कर सकता, किसी को याद है वो सॉन्ग? सर बहुत सारे सॉन्ग है उसके, 8971 रिपीटेशन है पूरा सॉन्ग, अगर लिरिक्स लेके बैठोगे ना आपको लगेगा हार्डली पूरे सॉन्ग में जो 10 मिनट तक गाया जाता है वो 10 मिनट के सॉन्ग में हार्डली 2 या 3 लाइन मिलेगी, और बाकी एक ही बार बार रिपीट 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 पता नहीं हंड्रेड्स ऑफ टाइम रिपीट होता है, गाने के लिरिक में कोई दम नहीं है। लेकिन अकॉर्डिंग टू रोमांटिक पीपल लिरिक है बाबा, वो म्यूजिक इंजॉय करने के लिए, और टीचर नहीं है वो कोई फिलोसॉफी नहीं सिखा रहा आपको। अगर उसका गाना सुन के आप रिलैक्स फील करते हो, मजा आता है, कितना का एंजॉयमेंट आप लेते हो ना, पर्पस तो गाने का वही पर्पस है। अगर आपको पढ़ाई करनी है तो बुक्स लेके पढ़ो, फिलोसॉफी लेके पढ़ो, म्यूजिक में मुझे कुछ सीखने को मिले, अगर है म्यूजिक को सीखने के लिए तो सीखो, नहीं है तब भी म्यूजिक सही है अगर कोई एंजॉय कर रहा है उसको। तो समझ में आ रहा रोमांटिक लोगों की सोच? यस सर। ये किस चीज को क्रिटिसाइज करते थे? अब मैं एक बार तुम्हारा भी आंसर थोड़ा दे देता हूँ जो तुमको पता होगा, आंसर किसी ने पूछा तो नहीं, लोगों का रोमांटिक मतलब लव, अब हम जनरली उसी को पकड़ कर ले लेंगे, रोमांटिक मतलब लव बिटवीन बॉय एंड गर्ल, दैट इज ऑल्सो पार्ट। अब इसका मतलब पहले आज भी हमारे इंडियन कल्चर में है, एंड पर्सनली मैं हमारे इंडियन कल्चर को सपोर्ट करता हूँ, पेरेंट्स डिसाइड करेंगे कि उनका बेटा उनकी बेटी की शादी किसके साथ होगी, ये अधिकार माँ बाप का ही होता है। हाँ, तुम अपने माँ बाप को बता सकते हो कि मेरा ये ओपिनियन है, आप मेरा ओपिनियन कंसिडर करो, तुम्हारे पेरेंट ने करना भी चाहिए, लेकिन फाइनल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी तुम्हारे पेरेंट्स की, वो डिसाइड करेंगे उनका बेटा या उनकी बेटी किसके साथ अपनी जिंदगी बिता, बिकॉज उनको लाइफ का ज्यादा एक्सपीरियंस है, उन्होंने लोगों को तुमसे ज्यादा देखा है, वो लोगों से बात करके समझ सकते हैं कि इंसान अच्छा है या बुरा है, और अपने एक्सपीरियंस के आधार पे उनकी वजह से तुम्हारी जिंदगी अच्छी होने वाली है, तो ये उनका अधिकार है। लेकिन रोमांटिक बॉयज एंड गर्ल्स हम नहीं मानते, हम जिसको पसंद करते हैं मुझके साथ शादी करेंगे, हम आपको नहीं वैल्यू देते, तो ये सोच है रोमांटिक सोच, इसलिए उसको रोमांस कहा जाता है। समझा? अगेन
यू हैव फुल राइट टू अग्री विथ मी और डिसएग्री विथ मी. यहाँ पे कोई सही या कोई गलत नहीं है, सबके अपने ओपिनियन है, अपने ओपिनियन अपने हिसाब से सही हो सकते हैं. बट स्टिल पर्सनली योर पेरेंट्स हैव गिवन यू बर्थ, दे आर रेजिंग यू अप, दे हैव मोर नॉलेज मोर एक्सपीरियंस देन यू, एंड टिल यू ग्रो अप फुल्ली लेट देम हैव राइट टू टेक डिसीजन अबाउट यू. ऑफ कोर्स यू ऑल्सो हैव राइट टू गिव योर ओपिनियन इन द डिसीजन दैट इज अबाउट यू. तो ये ग्लोरीफाई करते थे रीजन को. रीजन मतलब कॉमन सेंस, जो मेरे कॉमन सेंस को अच्छा लगा वो सही है, जो मुझे गलत लग रहा है मैं उसको गलत बोलूंगा, खत्म हो गई. मेरे पापा बोल रहे हैं, मम्मी बोल रहे हैं, ये चीज सही थी, मुझे डिसएग्री है, आई डोंट अग्री विद दिस. साइंस, साइंस अपने जगह सही है, लेकिन लॉजिक मतलब हमारे फीलिंग्स भी तो है ना. साइंस है, हम मानते हैं साइंस नाम का फैक्ट होता है, लेकिन अगर कोई चीज मुझे अच्छी लग रही है, जैसे कि तुम बोलते अगर अभी सर्दी में खड़े रहोगे, बहुत बारिश हो रही है, सर्दी लग रही है, बीमार हो जाऊंगी, हाँ साइंटिफिकली मैं बीमार हो सकता हूँ, लेकिन मुझे बारिश में भीगना अच्छा लग रहा है तो मैं भीगूंगा, बीमार हो जाएगा ना. साइंस बोलता ना मैं बीमार हो जाऊंगा, साइंस के पास दवाई अभी है तो लेकर ठीक हो जाऊंगा, लेकिन भीगना मुझे पसंद है, मैं भीगूंगा भाई. ये इनके लिए लॉजिक और साइंस उतना इंपॉर्टेंट नहीं था. इनके लिए इंपॉर्टेंट क्या था, इनके इमोशंस, इमोशंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे. इंट्यूशंस, दिल से आने वाली आवाज़, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी. एंड मिस्टिकल फीलिंग, कुछ फील करते हैं, जो फील करते हैं उसके लिए साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते. रोमांटिक बोलते जरूरत भी नहीं साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देने की है. तो इमोशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंट्यूशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो फील करते हैं उसको बोल दो, अपनी फीलिंग के हिसाब से जिंदगी जियो. गट फीलिंग आ रही है, इंजॉय करो उस गट फीलिंग को, काम करो अपने अंदर की फीलिंग का सोच के. एग्जाम्पल के तौर पर सपोज एक व्यक्ति है, बड़ा बिजनेसमैन है, और उसका दोस्त, उसका दूसरा दोस्त है, वो खुद भी एक बिजनेसमैन है, लेकिन उसके दोस्त का बिजनेस डूब रहा है. वो अपने पहले दोस्त के हेल्प मांगता है, जिसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, भाई मुझे हेल्प कर दे, मेरा बिजनेस में नुकसान है, मुझे 200 करोड़ चाहिए. अब जिसका बिजनेस अच्छा चल रहा है वो दिमाग से सोचता है, भाई मेरा बिजनेस, मैं तुझे 200 करोड़ दूंगा, लेकिन तेरे बिजनेस में इतना पोटेंशियल नहीं है, मेरे 200 करोड़ डालने के बाद भी तेरा बिजनेस वापस रीस्टैब्लिश नहीं हो सकता, वापस खड़ा नहीं होगा, फिर डूब जाएगा, तो मैंने पैसा नहीं देना चाहिए. लेकिन देखो भाई, बचपन से साथ में थे यार, तू मेरा दोस्त है, 200 के 400 करोड़ डूबे तो डूबे, ये ले तू बिजनेस खड़ा कर. एक हो गई इमोशंस और एक है कैलकुलेशंस. तो यहाँ पे इमोशंस जीत गई, कैलकुलेशंस हार गई. तो रोमांटिक लोगों के लिए ये इमोशंस, ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती, ना कि लॉजिक एंड रीजन. और इनका ऑब्जेक्टिव क्या था, करना क्या चाहते थे, नेशनलिज्म इनका कॉन्ट्रीब्यूशन ये चाहते थे, लोगों में क्रिएट करें, क्या क्रिएट करें, शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज. मतलब सारे कुछ ऐसा लिटरेचर लिखे, कुछ ऐसी पेंटिंग बनाए, कुछ ऐसे पोएम्स लिखे, कुछ ऐसे सिंगिंग और डांस करें जिसके वजह से एक भाषा बोलने वाले, अब चाहे वो जर्मन हो, फ्रेंच हो, डच हो, रशियन हो, जो भी हो, ये सारे एक भाषा बोलने वाले में एक कलेक्टिव हेरिटेज आए. ये लोग फील करें कि हम सब एक है, एक दूसरे से कनेक्ट करने का काम आर्ट एंड कल्चर के थ्रू किया गया. सारे एक कम्युनिटी को, एक भाषा बोलने वाले को एक कम्युनिटी फील करवाना कि हम एक कम्युनिटी है. सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, सेंस ऑफ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज, ये ला रहा इन लोगों का पर्पस था. और किसका इस्तेमाल करके, अपना कॉमन कल्चर याद दिला के, तो यार कल्चर ही हमारा बेसिस ऑफ नेशन हो सकता है. एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस स्लाइड, और शाला मूव टू द नेक्स्ट वन. चलो मूव कर लेता, नो वन इज रिस्पॉन्डिंग. अभी तक हमने चीजें देखी जनरल एस्पेक्ट में, अब हम देखेंगे कुछ लोगों के नाम लेके. जर्मन फिलोसोफर, रोमांटिक पोएट, इसका नाम है जहान गॉटफ्रिड हर्डर. 1744 में जन्म हुआ, 1803 में नेपोलियन के राजा बनने के एक साल पहले डेथ होगी. एंड रोमांटिक पोएट, रोमांटिक पोएट मतलब लव सॉन्ग, नो लव सॉन्ग, फ्रीडम वाले सॉन्ग ये लिखते थे. अरे क्या कहना क्या था, अबे जहान गॉटफ्रिड हर्डर ये मानते थे कि अगर आपको जर्मन नेशन बनाना है, अगर आपको जर्मन लोगों को एक बनाना, एक ग्रुप बनाना है, उनको आपस में जोड़ना है, ये सिर्फ एक तरीके से किया जा सकता कि सारे जर्मन लोगों को उनका पास्ट कल्चर याद दिलाओ. पास्ट में जर्मन लोगों ने जो अचीवमेंट किए उसको वापस याद करो, ढूंढ के निकालो और बताओ. पास्ट का लिटरेचर ढूंढ के निकालो, पोएट्रीज ढूंढ के निकालो, लोक दास वोक मतलब कॉमन पीपल, आम जो जर्मन लोग है, आम जर्मन लोग ही जर्मन नेशन बना सकते हैं. पढ़े लिखे जर्मन, अमीर जर्मन, बिजनेसमैन वाले जर्मन, वो ठीक है अपनी जगह, उनकी भी जरूरत है हमको,
लेकिन जो आम छोटे छोटे गरीब किसान जर्मन है वो ज्यादा जरूरी है। असली जर्मन नेशनलिज्म उन्हीं पे मिलेगा, बिकॉज अमीर लोग तो फ्रेंच सीख गए पॉलिटिकली, एरिस्टोक्रेट लोग फ्रेंच भाषा ज्यादा बोलते हैं, लेकिन असली शुद्ध जर्मन के देखने मिलेगा तो गरीब जर्मन में ही असली जर्मन देखने मिलेगा, ये इनका कहना था। किसका? जोहान गॉटफ्रिड हर्रर का। तो इसके लिए उन्होंने किसका इस्तेमाल किया? जर्मन नेशन, आइडिया ऑफ जर्मन नेशन, एक जर्मनी बनाने के लिए जर्मन लोगों को एक साथ लाना, क्या बनाने के लिए? जर्मन नेशन, अ स्पिरिट ऑफ नेशन, दैट इज वर्कजीस्ट। जर्मन भाषा में प्रोनंसिएशन थोड़ा गलत हो सकता है मेरा, मुझे अकॉर्डिंग टू द फोनेटिक्स इसका सही प्रोनंसिएशन नहीं मिला गूगल पे, तो स्पेलिंग के हिसाब से आ रहा है वर्कजीस्ट, मतलब जर्मन नेशन, जर्मन राष्ट्र को फेमस बनाने के लिए जोहान हर्रर ने इस्तेमाल किया फोक सॉन्ग। फोक सॉन्ग मतलब लोकगीत जो कि जनरली ट्रेडिशनली लोग गाते हैं, पुराने जमाने से चलते आ रहे गीत, फोक पोएट्री, पुराने कविताएं, वो याद करो, उन्हीं को स्प्रेड करो, पुराने तरीके के डांस, मॉडर्न, दूसरे देशों से लाइव डांस नहीं, हमारे सांस्कृतिक डांस, जैसे हम इंडिया के बारे में बोल सकते हैं, मुझे इंडियन क्लासिकल डांसेस का नाम याद दिला सकता है कोई? भरतनाट्यम। यस, वो इंडिया का फोक डांस बोलेंगे, क्लासिकल डांस, कथकली, ये हाँ करेक्ट, ये सब हमारे हमारे कल्चरल डांस है और इसको हम फोक डांस भी बोल सकते हैं। उसी तरह अगर आप गढ़चिरौली में जाएंगे तो ये गढ़चिरौली एक ट्राइबल एरिया है, वहाँ के जंगलों में हमको ट्राइबल लोग मिलेंगे जो हमारे इंडियन ओरिजिनल इंडियन कल्चर का पार्ट है, हम असल में वहीं से निकले हुए हैं, अपने डांस। भामरागढ़ के आदिवासी से अगर हम जाके मिलेंगे तो उनकी अलग लैंग्वेज है, उनकी अलग डांस है, उनके अलग कल्चर है, गढ़चिरौली में उनका अलग कल्चर, ये सब हमारा एंशियंट कल्चर है, ये सब हमारे रिसोर्सेस है, मतलब हमारा ग्लोरियस पास्ट इन्हीं लोगों के पास है। अब हम जो एडवांस्ड हो गए, जो इंग्लिश बोलते हैं, मॉडर्न कपड़े पहनते हैं, शर्ट पैंट पहनते हैं, ट्राउजर्स जीन्स पहनते हैं, हमने कहीं तो भी हमारे कल्चर को डाइल्यूट कर दिया है और वेस्टर्न एक्सेप्ट कर लिया है, ऐसा करके हमने कोई पाप नहीं किया है, मैं इसको गलत नहीं बोल रहा हूँ, ये भी मॉडर्न चेंजेस है, लेकिन हमारा ओरिजिनल वो है जिनको आज भी हमारे देश के ट्राइबल लोगों ने, रूरल लोगों ने प्रिजर्व किया है, वो हमारा ओरिजिनल कल्चर है। तो इनका मानना, जोहान हर्रर ने भी वही किया था, पुरानी चीज़ों को जमा किया और लोगों को वापस कलेक्ट करके दिया उसके समय के, जिससे और नेशनलिज्म, फ्रेंच नेशनलिज्म की फीलिंग बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट हो गई, और अल्टीमेटली कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग दिस, दैट इज फोक, ऑल द फोक थिंग्स वॉज एसेंशियल टू प्रोजेक्ट द नेशन बिल्डिंग। अगर आपको एक जर्मन नेशन बनाना है तो आपको पुराने सारे पारंपरिक चीज़ों को, कल्चरल चीज़ों को वापस रिवाइव करना पड़ेगा और लोगों को दोबारा वो देना पड़ेगा, तभी हम एक जर्मन नेशन बन सकते हैं, तभी हमें प्राउड फील होगा अपने पास्ट को लेके, और हम अपना अच्छा फ्यूचर बनाने के लिए हमारे प्रेजेंट में स्ट्रगल करेंगे। तो कल्चर का इतना बड़ा इंपॉर्टेंट है। सॉफ्टवेयर मैंने कहा जब हमारा क्लास स्टार्ट किए थे, मैंने कंपेयर किया था कल्चर को सॉफ्टवेयर से। हाँ, अब लैंग्वेज, लैंग्वेज इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? दो पर्पज है लैंग्वेज के इंपॉर्टेंट होने के, अब वो दो, वर्नाक्युलर मतलब लोकल लैंग्वेज, वर्नाक्युलर लैंग्वेज मतलब लोकल, अगर आप महाराष्ट्र में रहते हो तो मराठी यहाँ की वर्नाक्युलर लैंग्वेज है, अगर आप गुजरात में रहते हो तो गुजराती वहाँ की वर्नाक्युलर मतलब लोकल लैंग्वेज, जो वहाँ के लोकल लोग बोलना प्रेफर करते हैं। अब हमारा इंडिया एक मल्टी लिंगुअल कंट्री है, तो हमको ऐसी भी लैंग्वेज चाहिए जो पूरे देश में जानी जाए, जिसके लिए हम आज इंग्लिश का इस्तेमाल करते हैं या हिंदी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारे ज़्यादातर इंडियन रीजनल स्टेट की अपनी वर्नाक्युलर लैंग्वेज है जो हमारे कल्चर का पार्ट है, और फोक हमारी लोकल लैंग्वेज, हमारे फोक लोर मतलब लोकगीत, इसके दो फायदे हैं। नंबर वन, अगर आप उनको रिवाइव करोगे तो एंशियंट नेशनल स्पिरिट आ जाएगी, मतलब लोगों को लगेगा कि हम पास्ट में एक देश थे, अपने पास्ट को याद करके आप प्राउड फील करोगे, और दूसरा कैरी जो आज की मॉडर्न फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म है, हम वो भी लोगों तक पहुँचा सकते हैं। कैसे? पुराने गानों को याद करो, पुराने पोएम्स को याद करो, पुरानी स्टोरीज को याद करो, और पुरानी भाषा जो हमारी ओरिजिनल भाषा है जो सीखना कंपैरेटिवली आसान है, देन लर्निंग अ न्यू एलियन लैंग्वेज, बाहर से इंग्लिश लाना, फ्रेंच लाना, इटालियन लाना, इंडियन के लिए लर्न करना मुश्किल है, लेकिन हम पुरानी भाषा है अगर मराठी, गुजराती, तेलुगु, ये लोग हम हमारी पुरानी भाषा यूज़ करेंगे, ज़्यादा आसानी से उसमें कमांड हासिल कर सकते हैं। तो पुरानी भाषा सीखेंगे और नया मैसेज है, नया नेशनलिज्म का मैसेज हम हमारी पुरानी भाषा में लोगों तक फैलाएंगे, तो ज़्यादा आसानी से फैलेगा। मतलब अगर मैं भी, अगर तुम्हें कुछ पढ़ाना चाहूँ, फुल्ली पूरा इंग्लिश में बात करूँ,
तो शायद पूरे भारत में जितने भी लोग सीबीएसई के स्टूडेंट हैं, शहर के बच्चे तो समझ जाएंगे, लेकिन जो टीयर टू सिटीज है, टीयर थ्री सिटीज है या रूरल एरियाज के बच्चे है, वो शायद पूरी तरह इंग्लिश के लेक्चर को ना समझ पाए, लेकिन अगर हिंदी में बोला जाए या कोई टीचर सीबीएसई मराठी में पढ़ाए या गुजराती में पढ़ाए या तेलुगू या तमिल में पढ़ाए, तो उस लैंग्वेज में बच्चे ज़्यादा अच्छा समझ सकते हैं, तो आप मैसेज को ज़्यादा अच्छी तरीके से कन्वे कर पाओगे अगर लोकल वर्नैकुलर लैंग्वेज यूज़ करो तो। ये तो हमको हमारी फिलोसफी यूजिंग लोकल लैंग्वेज वर्नैकुलर लैंग्वेज, और उस वर्नैकुलर लैंग्वेज से नेशनलिज्म लाने का बेस्ट एग्जाम्पल अगर हमको कहीं मिलता है वो हमको पोलैंड में मिलता है। तो यहाँ पे बचे हुए जो तीन चार स्लाइड्स हैं हमारे, हम उसमें पोलैंड की स्टोरी भी देखने वाले हैं। क्या हुआ था पोलैंड में याद करो, 1815 सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट क्या था 1815 का यूरोप में, कैन एनीवन रिकॉल एंड टेल मी? किसी को याद है 1815 में पूरे यूरोप का सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट क्या हो रहा था, पॉलिटिकल इवेंट या मिलिट्री इवेंट जो भी बोलो? द नेपोलियन हैज टेक द पावर इन फ्रांस। नेपोलियन टू पावर इन फ्रांस, आई थिंक दैट वाज इन 1804। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ईयर। हिटलर कैप्चर्ड पोलैंड। हु कैप्चर्ड पोलैंड? हिटलर। सर हिटलर वाज नॉट बोर्न एट द टाइम। हिटलर को पैदा होने को और 4 साल, 70 आई थिंक 74 इयर्स बाकी हिटलर को पैदा होने को भी। Anyone has lost the battle in Waterloo. Correct. Fall of Napoleon or not war, battle of Waterloo. Napoleon हार गया था, और Napoleon के हारने के बाद उसको हराने वाले देश कौन कौन से थे? UK, Prussia, ऑस्ट्रिया एंड रशिया। इन सब ने मिलके एक मीटिंग की, उस मीटिंग का नाम था कांग्रेस। कौन सी कांग्रेस? वीना कांग्रेस, वियन्ना कांग्रेस। और इन्होंने बनाई ट्रीटी ऑफ वियन्ना। और ट्रीटी ऑफ वियन्ना ने इन्होंने जितना भी एरिया नेपोलियन ने जीता था उसको आप खुद ले लिया और आपस में बंदर बात कर ली उसकी। याद है हमने 2 पीरियड पहले देखे थे इस बारे में, तुम लोग शायद घर में टेक्स्ट बुक पढ़ नहीं रहे हो। तो वहीं पे पोलैंड को भी बांट दिया गया था। पोलैंड का हाल वैसा कर दिया गया था जैसे कि 2 बिल्ली और 1 बंदर और रोटी वाली कहानी थी। वैसे बंदर सारी रोटी खा के भाग जाता है, पर यहाँ पे इन्होंने आपस में थोड़ा, अगर ये पोलैंड है इतना पोलैंड रशिया ले ले, इतना पोलैंड प्रशिया ले रहेगा, इतना पोलैंड ऑस्ट्रिया ले लेगा, इतना किसी और को दे देंगे, ऐसा पोलैंड की बंदर बांट कर दी थी इन लोगों ने। पोलैंड नाम का देश जो पहले था, अब कोई पोलैंड नाम का देश नहीं बचा। पोलैंड का बंटवारा कर दिया, पार्टीशन कर दिया गया बाय द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी। किसने किया था? इन पावर्स ने। और जब ये सिचुएशन है कि पोलैंड एक देश थे, नो कंट्री, जीरो कंट्री बन गया, इन सच नॉन एग्जिस्टेंस पोलैंड में नेशनलिस्टिक फीलिंग को कैसे जिंदा रखा गया? पोलैंड के लोगों ने, जब उनकी कोई मतलब पॉलिटिकल पावर नहीं थी, पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं थी, तो उन्होंने अपने आप को, अपने नेशनलिज्म को जिंदा रखा थ्रू म्यूजिक एंड लैंग्वेज। उनके पास कोई देश नहीं था, पोलैंड के पास कोई गवर्नमेंट नहीं थी, वो बस दूसरे देशों के इसमें चले गए थे। जैसे कि एक फैमिली है जो कि बेघर हो गई है, तो फैमिली के कुछ मेंबर इस पड़ोसी के घर में, कुछ मेंबर उस पड़ोसी के घर में, कुछ मेंबर उस पड़ोसी के घर में, और उनका घर तोड़ दिया गया है। अब ये बटे हुए फैमिली मेंबर्स कैसे वापस एक फैमिली बनेंगे? जब बनेंगे तब बनेंगे, लेकिन अपनी वननेस ऑफ फैमिली उन्होंने बचाई रखी म्यूजिक और लैंग्वेज के थ्रू। कैसे किया? लेट्स सी दिस। Now, this is a Polish composer. Composer मतलब music composer, जो गाने वाला, and a conductor. Conductor मतलब, कोई बता सकता है मुझे, what do you mean by conductor here? किसी के दिमाग में ये आया कि ये SC का conductor हो सकते? He was a music conductor. अब music conductor देख, तुमने कई बार देखे होंगे, कुछ लोग होते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं चेयर पे बैठ के, और उनके सामने एक बंदा रहता है जिसके हाथ में एक स्टिक रहती है, और वो स्टिक हिला हिला के गाइड करता है, और उसके स्टिक हिलाने के अकॉर्डिंगली बाकी प्लेयर्स म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं। देखे किसी ने वो?
Yes, sir. There is a chair. But often the so many chair and people music players sit there. और यहाँ पे उनका leader बैठता है, जो अपने हाथ में कोई stick ऊपर नीचे करता है और उसके according ये सारे लोग play करते हैं. तो वो जो stick को control कर रहा है, जिसके according बाकी लोग play कर रहे हैं, ये है conductor. This man is conductor. जिसको मैं erase कर रहा हूँ. तो he was conductor. It means he was a good person in music. Music की काफी अच्छी समझ थी. And he was a pedagogue. हमारे टेक्सटबुक में ये वर्ड लिया गया पेडागॉज, एंड पेडागॉज मींस नथिंग बट अ टीचर, सिंपली अ टीचर. ही वाज अ म्यूजिक कंपोजर, ही वाज अ म्यूजिक कंडक्टर, एंड ही वाज अ टीचर. एंड हू वाज, व्हाट इज हिज नेम? कैरल कपोंस्की. नेम वाज कैरल कपोंस्की. तो इसने भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट किया नेशनलिज्म को बनाए रखने में पोलैंड में. एंड व्हाट वाज हिज कंट्रीब्यूशन? बेसिकली वी हैव टू कंट्रीब्यूशंस ऑफ हिम. नंबर 1, नेशनल स्ट्रगल, जो पोलैंड के लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं, उस स्ट्रगल को उसने ग्लोरीफाई किया, सेलिब्रेट किया, उसकी तारीफ किया वाया थ्रू हिज ओपेराज. ओपेरा मतलब पहले, आज भी होते हैं यूरोप में, वो पहले भी होते थे, एक तरह के म्यूजिक कंसर्ट थे. एक तरह का म्यूजिक होता है, ओपेरा म्यूजिक सुने होंगे तुमने, जिसमें एक लंबी आवाज खींची जाती है. गूगल पर सर्च कर लेना, म्यूजिक कंसर्ट हुआ करते थे इसमें. तो ये ओपेरा में गाना गाता था और ओपेरा कंपोज भी करता था और उसमें तारीफ करता था उन लोगों की जो कि पोलैंड को एक रखना चाहते, जो पोलैंड पोलिश नेशन बनाना चाहते थे, और अपने म्यूजिक के थ्रू, पोएट्री के थ्रू भी सेलिब्रेट करता था ऐसे लोगों को. जैसे कि भगत सिंह ने भी कहा जाता है, सॉन्ग लिखे थे, मेरा रंग दे बसंती चोला. ये रोमांटिक सॉन्ग नहीं था, ये नेशनलिस्टिक सॉन्ग था. उसी तरह के कंपोजिशन कैरल कपोंस्की भी करता था. और दूसरा, इसका दूसरा कंट्रीब्यूशन था डांस फॉर्म. मैंने एग्जांपल लाने की कोशिश की है, पोलोनाइज एक डांस फॉर्म है, ये पोलोनाइज इज अ डांस फॉर्म, कुछ इस तरीके से सॉफ्ट डांस. और दूसरा है मजूरका, कुछ इस तरह का डांस विच इज लाइक एन एथलेटिक्स, जिसको आप एक्सरसाइज समझ सकते हो, पावरफुल डांस. ये दोनों डांस को पॉपुलर किया अगेन कैरल कपोंस्की ने, जो कि ओरिजिनली पोलैंड से आते थे ये दोनों सिंबल. पोलिश नेशनल नेशनलिज्म का इसको सिंबल बना दिया गया, पोलोनाइज और मजूरका को. किसने किया? कैरल कपोंस्की ने किया था ये. अब लैंग्वेज, अब वापस लैंग्वेज पे आते हैं. कैसे पोलैंड के लोगों ने रशिया के अगेंस्ट, पोलैंड का ज्यादा था हिस्सा रशिया कब्जा कर चुका था, तो रशिया के अगेंस्ट इन्होंने कैसे पहले हथियार उठाए. हथियार उठाने के बाद कमजोर थे, हार गए, रशिया ने दबा दिया इनकी आर्म्ड स्ट्रगल को, इनके रिवोल्यूशन को रशिया ने दबा दिया. ये टिक नहीं पाए रशिया के सामने लड़ाई में, वायलेंस वाली लड़ाई में. तो उन्होंने कैसे फिर लैंग्वेज को एज अ वेपन इस्तेमाल किया. जब इनकी तलवारें, इनके बंदूकें, इनकी तोप नहीं टिक पाए, लैंग्वेज वॉज यूज एज अ वेपन एज अ नेशनलिज्म एंड टू फाइट अगेंस्ट द रशिया. सो द हिस्ट्री स्टार्ट, द हिस्ट्री ऑफ पोलिश स्ट्रगल स्टार्ट फ्रॉम 1795. रशिया ऑक्यूपाइड पोलैंड, रशिया ने पोलैंड पे कब्जा कर लिया, हरा दिया पोलैंड के राजा को, और पूरा रशिया, पोलैंड रशिया के कंट्रोल में आ गया. फिर 1804 से 1815 तक तो नेपोलियन का तांडव चलता रहा पूरे यूरोप में. फिर 1815 में नेपोलियन हार गया, फिर इन्होंने पोलैंड की बंदरबांट वापस कर दी एक बार. अब यहाँ पे रशिया ने पोलैंड के स्कूल में पोलिश लैंग्वेज ही बैन कर दी, और पोलैंड के स्कूलों में रशियन लैंग्वेज में ही पढ़ाया जाएगा. पोलैंड के लोग पर्सनल लाइफ में भी रशियन पोलिश यूज नहीं कर सकते, उनको रशियन ही यूज करना पड़ेगा, रशियन को ही अपनी मातृभाषा माननी पड़ेगी. ऐसा रूल बना दिया गया पोलैंड में, जो कि अब रशिया के कंट्रोल में था. तो क्या पोलैंड के लोग मान गए? नहीं माने, वो स्ट्रगल करते रहे. अरे 1831 में तो उनकी स्ट्रगल होगी आर्म्ड रिबेलियन, हथियारों के साथ उन्होंने रशियंस के साथ लड़ा, लेकिन इतनी ताकत नहीं थी कि रशियन को डिफीट कर दे, और रशियन ने ही इनकी आर्म्ड रिबेलियन को हरा दिया. ये लोग टिक नहीं पाए. गांधी जी भी यही बोलते थे, अगर हम हथियार उठा के अंग्रेजों के अगेंस्ट लड़ेंगे तो हम, उस समय इंग्लैंड दुनिया का सबसे पावरफुल मिलिट्री एंटिटी था, उस इतने शक्तिशाली साम्राज्य के सामने हम हथियार से नहीं टिक सकते. तो गांधी जी ने अहिंसा नाम का हथियार इस्तेमाल किया, और पोलिश लोगों ने भाषा नाम का हथियार इस्तेमाल किया. अब कैसे भाषा नाम का हथियार कैसे इस्तेमाल किया उन लोगों ने, फिर इस लड़ाई के 1831 के बाद आर्म्ड रिबेलियन में रशियन से हारने के बाद इन्होंने क्या किया,
मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी, क्लर्जी मतलब चर्च के लोग, चर्च के फादर्स मतलब धार्मिक लोग, धार्मिक नेता वहां के, दे बिगैन यूजिंग पोलैंड पोलिश लैंग्वेज एज अ वेपन ऑफ नेशनल रेजिस्टेंस. जितना उन पर जबरदस्ती की गई आप रशियन यूज करो, वो उतने ही इंटेंसिटी के साथ पोलिश लैंग्वेज यूज करने लगे. इनको बोले आप पढ़ाई में सिर्फ रशियन में पढ़ाओ, इन्होंने अपने बच्चों को और पोलिश में पढ़ाया. इन्होंने बोले घर में भी रशियन बोलो, ये नॉर्मली भी रशियन बोलते थे अब बंद कर दिया, अब पोलैंड ही बोलेंगे. यहाँ तक कि चर्च में जो सरमन्स होते थे, सरमन मतलब जो सत्संग होते थे, जो मैसेज दिया जाता चर्च से, पीस का मैसेज या जो भी अच्छे धार्मिक मैसेजेस है, झूठ नहीं बोलना, शराब नहीं पीना, दारू नहीं पीना, इस तरह के जुआ नहीं खेलना, ये अच्छे मैसेजेस है, वो भी अब जबरदस्ती ये लोग पोलिश लैंग्वेज में ही बोलेंगे, रशियन में तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे. पोलिश वॉज यूज एंड चर्च गैदरिंग्स एंड सारे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन में भी पोलैंड के लोगों ने धीरे धीरे करते रशियन को टोटली बैन कर दिया और अब जिंदगी के हर एस्पेक्ट में पोलिश ही यूज करने लगे. तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, रशिया वुड नेवर एक्सेप्ट इट. सो लार्ज नंबर ऑफ प्रिस्ट एंड बिशप्स, बिशप मतलब चर्च के अथॉरिटीज ही होते हैं, दे आर पुट इन जेल और सेंट टू साइबेरिया एज अ पनिशमेंट बिकॉज दे रिफ्यूज्ड टू टीच प्रीच. प्रीच मतलब धार्मिक संदेश देना, प्रीच इन रशियन लैंग्वेज. धार्मिक नेताओं ने रशियन भाषा में प्रवचन देने से मना कर दिया था, इसलिए उनको साइबेरिया भेज दिया गया. साइबेरिया मतलब जैसे इंडिया में था ना, अंग्रेज लोग काला पानी की सजा देते थे, मतलब दूर के आइलैंड्स पे, अंडमान निकोबार के आइलैंड्स में जेल बना के रखे थे, वहां पे इस जेल में लोगों को भेज देते थे जहाँ पे मौत से भी बदतर होती थी ऐसी जिंदगी. उस तरह रशिया में भी एक ऐसा एरिया साइबेरिया जहाँ पे टेम्परेचर जनरली माइनस में रहता है, और वहाँ पे कैदियों को भेज देते थे बिना किसी वार्मथ के, गर्मी के लिए ज़्यादा कुछ देते नहीं थे, और बस सर्दियों में तड़पता रहता था इंसान, मरता भी नहीं था और ना कंफर्टेबली जी सकता था. इस तरह की पनिशमेंट मिलती थी साइबेरिया में. तो ऐसे सारे प्रिस्ट को साइबेरिया एज अ पनिशमेंट भेज दिया गया साइबेरिया की जेलों में. एंड द यूज ऑफ पोलिश केम टू बी सीन एज सिंबल ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट द रशियन डोमिनेशन. इंडिया में भी ऐसा हुआ, अंग्रेज लोग भारत के तिरंगे से बहुत चिढ़ते थे, वो चाहते थे सिर्फ यूनियन जैक, ब्रिटिश का झंडा ही भारत में रहे. जैसे जैसे अंग्रेजों ने कहा कि एक्सेस किया कि हम इंडियन फ्लैग को पसंद नहीं करते, उतना ज़्यादा इंडियन लोग इंडियन फ्लैग लेके सड़कों पर निकलने लगे. जितना इंडियन फ्लैग को दबाने की कोशिश की जाती उतने ज़्यादा लोग इंडियन फ्लैग लेके सड़कों पर आने लगे, बिकॉज हमारी दुश्मनी हो गई थी एंड इंडियन नेशनल फ्लैग बिकेम द सिंबल ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल. और यहाँ पे हमारा ये टॉपिक खत्म होता है, और तुमको समझ में आ गया होगा लिटरेचर कैसे इंपॉर्टेंट है, आर्ट्स एंड कल्चर कितना इंपॉर्टेंट है फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म को डेवलप करने के लिए. यहाँ पे हमारा क्लास खत्म करते हैं, और सबसे पहले तो मैं रिकॉर्डिंग रोक देता हूँ.